हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं हल्द्वानी शहर के पास कठरिया चौराहे के पास हम लोग हैं और यहीं से जो आपका आज प्रॉपर्टी है कठरिया चौराहे के पास पन्याली एक क्षेत्र है वहां पर आज की यह प्रॉपर्टी रहेगी। काफ़ी अच्छी यह एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी और जैसा कि आप देख रहे हैं कठरिया चौराहे पर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से हमें राइट साइड टर्न लेना है। यहाँ से लगभग आपका 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहेगा प्रॉपर्टी का और वहीं पर काफ़ी अच्छी लोकेशन के साथ में आज की यह प्रॉपर्टी रहेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक डील्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहां पर आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड नए नए रिव्यू लेकर आता रहता हूं। आज भी काफ़ी अच्छी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके बीच लेकर आया हूं। जो कोई भी दोस्त आज इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं जो ये पन्याली में मार्ग है इस मार्ग में भी आपको जो आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी और भी जो भी आपका डेली नीड्स का रिक्वायरमेंट है और हर तरह की सुविधाएं आपको इस रोड में मिल जाती हैं। साथ ही काफ़ी अच्छी लोकेशन के साथ में जो आपका हिल व्यू है उस अच्छी लोकेशन के साथ में आज की प्रॉपर्टी रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं प्रॉपर्टी के पास में ही आपका जो मास्टर स्कूल है प्रॉपर्टी के पास में मास्टर स्कूल है और उसके अलावा भी अदर स्कूल के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं प्रॉपर्टी में और करते हैं इसका रिव्यू। दोस्तों यह रही आज की प्रॉपर्टी जिसका की रिव्यू हम लोग करने आए हैं और यह जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं यही आज की प्रॉपर्टी है। अगर टोटल में प्लॉट के साइज की बात करूं 2130 वर्ग फीट का यह प्लॉट रहेगा और इसमें अगर हम लोग फ्रंट की बात करें 30 फीट का इसमें आपको फ्रंट मिलेगा और वहीं अगर हम लोग डेप्थ की बात करें 71 फीट का इसमें आपको डेप्थ मिलेगा। दोस्तों तो इसके फेस की बात करें साउथ फेस के साथ में यह प्रॉपर्टी रहेगी। साथ ही इसके अगर हम लोग रोड की बात करेंगे 17 फीट चौड़ी इसमें आपको रोड मिलेगी। जैसा कि आपने देखा लिंक मार्ग से भी आपको मैं दिखाऊं सामने ही आपका लिंक मार्ग है और वहां से एकदम आपका यह वॉकिंग डिस्टेंस की प्रॉपर्टी रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार जो आपका हिल व्यू है आपका जो हिल व्यू से लगी हुई प्रॉपर्टी रहेगी। दोस्तों आसपास भी अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रेजिडेंस यहाँ पर है। दोस्तों एक बार प्रॉपर्टी के पीछे की तरफ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ से भी इसका जो है फ्रंट व्यू लेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बैक साइड हम लोग जा रहे हैं। आप जैसा कि देखेंगे तो एकदम फ्लैट यह लैंड है रोड लेवल से यह प्रॉपर्टी है तो किसी तरह का इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा भरान या कोई एक्स्ट्रा इसमें वर्क आपको नहीं करना है। दोस्तों जैसा कि अगर हम लोग इसके आसपास का व्यू लेंगे तो जैसा कि आप इसके सामने की तरफ हम जो बैक साइड से हैं तो उसके बाद आप सामने की तरफ अगर इसका व्यू लेंगे कुछ इस तरह से इसका आपका फ्रंट व्यू रहेगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके आसपास जो लोकेशन उसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि इसके आसपास का व्यू मैं आपको करवाऊँ तो आसपास भी आप देखेंगे काफ़ी रेजिडेंस यहाँ पर है। दोनों तरफ इसके आप देखेंगे दोनों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं और सामने की तरफ भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है हम मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर बैक साइड की तरफ हम लोग देखें तो वहाँ भी आपको काफ़ी रेजिडेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है और साथ ही जो आप पीछे की तरफ वैली व्यू देखेंगे वह हिल व्यू जो देखेंगे काफ़ी अच्छी है आपका एकदम फुटहिल यह प्रॉपर्टी रहेगी। बिजली और पानी की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी कॉलोनी के साथ में यह प्रॉपर्टी है। आसपास भी आप देख रहे हैं काफ़ी रेजिडेंस यहाँ पर है तो बिजली और पानी दोनों चीज़ें आपका प्लॉट में काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ में अवेलेबल हैं। डेली नीड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग आपका जैसे कि मैंने आपको बताया रोड से आपका 50-60 मीटर का डिस्टेंस इस प्रॉपर्टी का है। आपका 100 मीटर के रेडियस में आपको जो भी आपका डेली नीड्स का रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाता है। एक बार इसके आसपास का व्यू भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसा कि आप इसके बैक साइड देखेंगे काफ़ी शानदार जो इसका वैली व्यू है हिल व्यू है काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू रहता है तो इसको एक तरह से आप पूरा प्रॉपर फुटहिल यह प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन के साथ यह प्रॉपर्टी है जो आपका क्लाइमेट है जो नेचर है जो यहाँ की एयर है काफ़ी आपको अच्छे उसमें मिल जाती है। इसके आसपास अगर हम लोग व्यू देखेंगे तो जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पर मकान बने हुए हैं काफ़ी नए रेजिडेंस यहाँ पर आपके बने हुए हैं। साफ़ सुथरी और काफ़ी शांत लोकेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगी जैसा कि आप बगल में भी देख रहे हैं दोनों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें सामने ही अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका मास्टर स्कूल है जो कि आपका सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है और उसके अलावा अदर ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेडिकल फैसिलिटीज की, अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोड से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का रेडियस इसका रहेगा, तो लगभग आपका 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रोडवे स्टेशन से अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो लगभग आपका 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। और वहीं अगर जो आपका खाडूदाम बाईपास है, अगर वहां से हम लोग डिस्टेंस की बात करें, जो आपका रिंग रोड का पार्ट है, तो वहां से अगर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग आपका 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर रहेगा। और दोस्तों वहीं अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लगभग आपका 100 मीटर के डिस्टेंस में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहां पर आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों रिव्यू तो पूरा हो चुका, कैसी रही है प्रॉपर्टी जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी अच्छी लोकेशन के साथ में यह प्रॉपर्टी थी और जो आपका लिंक मार्ग है उससे भी काफ़ी नज़दीक का है प्रॉपर्टी है। बाकी डिटेल तो दोस्तों आप वीडियो में देख ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस रखा गया है 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो कि नेगोशियेबल है। दोस्तों आपको इसके अलावा कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पर सो रहे नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।